नाले के पास झाड़ियों में मिली खून से लथपथ मासूम बच्ची। खबर जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची खून से लथपथ बेहोशी की हालत में गोरा बाजार नाले के पास झाड़ियों में मिली। सूत्रों के अनुसार बच्ची के माता पिता काम पर गए थे और बच्ची घर में अकेली थी। तभी क्षेत्र का एक 17 वर्षीय किशोर उसे बहला फुसला अपने साथ ले गया और उसने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट पर फरार हो गया। इस घटना की जानकारी लगते ही जिला अस्पताल पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और धर्म सेना के पदाधिकारियों ने नारे लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन पर ठीक से इलाज न करने के आरोप लगाया गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस द्वारा महिला स्टाफ बुलाकर बच्ची को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल रवाना किया गया। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि पीड़ित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। वहीं पुलिस मामला कायम कर जांच कर रही है। जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। जी भाई साहब, एक बच्ची का मामला आया, 6 साल की बच्ची है, विक्टोरिया से रेफर किया है आज मेडिकल में। मुझे अभी पता चला है कि वो विक्टोरिया से रेफर होकर मैंने जबल यहाँ ये मेडिकल कॉलेज में आई है, जिसको मैंने उसके प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीण विभाग में भेज दिया है। अब वहाँ पता चलेगा कि उसको कितनी कहाँ कहाँ चोटें हैं या कि उसके साथ क्या हुआ है, उसकी मतलब पूरी जानकारी हमें वार्ड से मिल पाएगी। अभी भैया कहाँ की रहने वाली है, कुछ बदला हुआ? अभी नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, है ना जी। भैया एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, क्या है प्रॉब्लम? नहीं, अभी दुष्कर्म का तो ऐसा समझ में नहीं आया है, लेकिन ये सूचना मिली थी कि एक अर्धविक्षिप्त लड़का है 15-16 साल का, उसने एक लड़की 6 साल की बच्ची के साथ मारपीट किया है। उस बच्ची को विक्टोरिया ले गए, विक्टोरिया से अभी इसके कोई अगर सेक्सुअल असाल्ट हुआ है तो उसके भी हम परीक्षण करवा रहे हैं, और सेक्सुअल असाल्ट के परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं। अगर कोई ऐसी पुष्टि आती है तो संबंधित धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, अभी आरोपी की तलाश जारी है। कहाँ का रहने वाला है आरोपी? कोई पता ठिकाना नहीं है, ऐसा पता चला है कि उसके माँ के मृत्यु के बाद पिता भी करीबन 10-12 साल पहले छोड़कर जा चुका है, और ये बच्ची अनाथ घूमता रहता था, वहीं मोहल्ले में पला बढ़ा, अभी भी 15-16 साल की उम्र है। ये बच्ची कहाँ की रहने वाली है? बच्ची गोरा बाजार बगीचे की ही रहने वाली है, उसी मोहल्ले में वो भी पहले कभी रहते थे, जो बच्चों का आना जाना था वहाँ। अर्धविक्षिप्त है, कहीं भी खा लेता है, कहीं भी सो जाता है, ऐसा पता चला। ये भी माना जा रहा है विक्टोरिया ले गए थे, विक्टोरिया से रेफर किया गया? हाँ, विक्टोरिया ले गए थे, विक्टोरिया से उन्होंने सेक्सुअल एग्जामिनेशन के लिए रेफर किया है मेडिकल कॉलेज, और पुष्टि मेडिकल कॉलेज के विशेष लेडी विशेषज्ञ के द्वारा की जाएगी। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? अच्छी है, नॉर्मल है।